हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर सीड्स स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। इस चैप्टर के हमारे दो लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 9th ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 9th के चैप्टर्स की ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग जर्मिनेशन टॉपिक को कवर करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जर्मिनेशन, जो सीड्स होते हैं, जो आपके अगर किचन में सीड्स रखे हैं, लाइक राजमा रखा है, छोले रखे हैं, चने रखे हैं, या दालें भी रखी हुई हैं, वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर जाएंगे? नहीं। वो किस फेज में रखे हुए हैं? रेस्टिंग फेज में है, और उस रेस्टिंग फेज को डेड तो नहीं है वो। जब उसको प्रॉपर कंडीशन मिलेंगी, वो फिर से जर्मिनेट होके नया प्लांट बना सकते हैं। तो जो रेस्टिंग स्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंट स्टेज। डॉर्मेंट फॉर्म में है, स्लीपिंग फॉर्म में है, रेस्ट कर रहा है एम्ब्रियो, या सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, तो सीड के अंदर डॉर्मेंट एम्ब्रियो प्रेजेंट है, और उन सीड को हम लोग डॉर्मेंट सीड बोलते हैं। सीड, क्योंकि हम लोग स्टडी कर चुके हैं, सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो तो प्रेजेंट होता है जो न्यू प्लांट में डेवलप होता है, न्यू प्लांट में। और ये जब एम्ब्रियो ग्रो करेगा, उसको खाने पीने की जरूरत होगी, तो क्या प्रेजेंट होता है? रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड सीड में। रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड किसके फॉर्म में हो सकता है? या तो कॉटिलीडन्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर एंडोस्पर्म के फॉर्म में। अगर कॉटिलीडन के फॉर्म में प्रेजेंट है तो एल्बुमिनस सीड्स है, और कॉटिलीडन्स में है तो मोनोकॉट डाइकॉट की तरह वो प्रेजेंट है। कॉटिलीडन्स के फॉर्म में या फिर एंडोस्पर्म, बस दोनों का काम एक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एंडोस्पर्म के खाना लेके भेजेंगे, जैसे ही वो उसमें पत्तियां बन जाएंगी अच्छे से, वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, प्लांट अपने आप ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। तो जो रेस्टिंग स्टेज में सीड होता है, उसमें एम्ब्रियो जो होता है अपने आप से जर्मिनेट करना स्टार्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं है जो आपके किचन में कंटेनर्स रखे हैं, वहां पे राजमा उस कंटेनर में ही जर्मिनेट करना स्टार्ट कर जाए, जब तक प्रॉपर कंडीशन नहीं होती तो। और वो लिविंग भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं डॉर्मेंट एम्ब्रियो। इन अ ड्राई सीड्स एम्ब्रियो इज इनएक्टिव। इनएक्टिव है, लिविंग है लेकिन इनएक्टिव है, जर्मिनेट नहीं कर रहा है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के फॉर्म में। उसके पास हाँ इतनी एबिलिटी है कि वो नया प्लांट में जर्मिनेट ग्रो कर जाएगा। इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी, या फिर इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रेस्ट। आउटवर्डली इट अपीयर्स टू बी विदाउट लाइफ, बट इन फैक्ट ये लगता है हमें कि इसके अंदर लाइफ नहीं है, छोले के अंदर, राजमा के अंदर, ये लाइव एग्जाम्पल। लेकिन बट इन फैक्ट ऑल द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ अ लाइफ आर गोइंग ऑन इन, उसमें अंदर हो रही होती है जो एक लाइफ के लिए, जो जिंदा रहने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज, केमिकल एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है, उस जो स्टेज में सीड रखा हुआ है उसके अंदर आपकी चल रही होती है सेम टाइम पे। बट उसकी जो स्पीड होती है, जो एक्टिविटी है, वो बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन होती है। और जितनी भी रिएक्शन एक सेल के अंदर चल रही होती है, उसको मेटाबॉलिक बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है। Although they are very slow and little food is utilized, बहुत ही स्पीड स्लो होती है, जिसके करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत ही कम खाने की जरूरत होती है। और जो डॉर्मेंसी वाला पीरियड है ना, तो हर एक सीड के लिए अलग अलग होता है, कुछ की कम डॉर्मेंसी होती है, कुछ की ज्यादा होती है। तो here the dry seeds consume oxygen, उनको ऑक्सीजन भी चाहिए होगी, CO2 तो लेंगे नहीं, CO2 तो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब लीव्स होते हैं, जहां पे खाना बनता है, तब CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज एनर्जी के लिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है ना, तभी एनर्जी बन पाती है। तो ड्राई सीड्स में ऑक्सीजन उनको रिक्वायर्ड होगी जो एम्ब्रियो, क्योंकि सीड के अंदर क्या प्रेजेंट है? लिविंग चीज एम्ब्रियो। एंड ये गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सेल बाहर भी दे रही होंगी, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होगा, एक्टिविटी बहुत ही कम हो रही है, एनर्जी बहुत ही कम रिक्वायर्ड होगी डॉर्मेंट फेज में। बाकी का पार्ट इरेज कर देते। तो बोथ इन एक्सट्रीमली माइन्यूट क्वांटिटीज, बहुत ही कम क्वांटिटीज में, क्योंकि बहुत कम एक्टिविटी हो रही है। कौन सा प्लांट को या सीड को अपने लिए जमीन खरीदनी है, जॉब पे जाना है, पैसा कमाना है, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, कोचिंग जानी है, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है? सीड को तो कुछ नहीं करना, उसको बस लिविंग मेंटेन रहना है। तो उसकी एक्टिविटी जो हो रही होंगी बहुत ही कम हो रही होंगी, और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने बहुत ही कम आपकी फूड की और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ना के बराबर। तो
एंड दे रिलीज सम हीट एज वेल, वो हीट भी रिलीज करते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. वन प्लेस्ड इन द प्रॉपर कंडीशन, जब उस डॉर्मेंट सीड को, उस डॉर्मेंट एम्ब्रियो को प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर जो नमी है, सॉइल है, प्रॉपर कंडीशन में प्लेस किया जाता है, वो जग जाता है. कौन जग जाता है? जो डॉर्मेंट एम्ब्रियो. जैसे आप स्प्राउट्स खाते होगे, क्या करते हैं उसको गीले कपड़े में बांध देते हैं, थोड़ा सा उसमें रेडिकल फॉर्मेशन हो जाता है, तो आपका डॉर्मेंट सीड से अब स्टार्ट हो जाए. अब उस जब मैं उसमें रेडिकल का स्प्राउट्स का फॉर्मेशन हो गया, तब फिर से उसको कंटेनर में रखना चाहोगे, ड्राई करना चाहोगे, तो वो डेड हो जाएगा. तो वो जग गया, एक्टिव हो गया. यहाँ पे यही लाइन लिखी हुई है, अवेकेंस द डॉर्मेंट एम्ब्रियो. कब? जब प्रॉपर कंडीशन होती है, जो सुटेबल कंडीशन होती है, दैट इज इट बिकम्स एक्टिव एंड स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ सीडलिंग. छोटे से सीड से जिसके अंदर कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास एबिलिटी है कि नया प्लांट बन सके, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं. वो एम्ब्रियो आपका अब छोटे से प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज सीडलिंग. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन. इन दिस डायग्राम, यही आपका कवर पिक भी है इस वीडियो की और थंबनेल की, तो ये सीड था, जर्मिनेट होना स्टार्ट हुआ, रेडिकल बना, फिर ऊपर प्लम्यूल बना, आफ्टर दैट एक आपका छोटा सा सीडलिंग तैयार हो गया, और ये जो कॉटिलेडंस है ये रिड्यूस हो गया, फ्रेश बने, इसका जो साइज होगा वो आपका रिड्यूस होता चला है. खाना तो कंज्यूम होगा ना. नेक्स्ट, ऑल द चेंजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलिंग, सीड से सीडलिंग बनना, जो छोटा सा आपका पत्तियां आ गई हैं और रूट वाला पार्ट भी यहाँ पे फॉर्म हो गया, दिस इज अ सीडलिंग. तो सीड से सीडलिंग बनने में जितने भी चेंजेस हैं उनको एक साथ हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन. सो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलिंग डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड अ सीड. अ फ्रेश सीड फ्रॉम अ प्लांट नॉर्मली डज नॉट जर्मिनेट. फ्रेश सीड अगर तुरंत प्लांट है, एक प्लांट था, इसमें सीड्स लगे हुए हैं, सपोज ये आपकी फली है, उसके अंदर सीड्स हैं बीन्स के, बीन की फली. अब इन सीड्स को तुरंत जर्मिनेट कराओगे तो शायद वो जर्मिनेट ना भी हो, कुछ टाइम बाद उनका जर्मिनेशन रुक जाए. तो जो फ्रेश सीड है, जो अभी अभी बने हैं, फ्रेश सीड का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अच्छे से उसके कोई कीड़ा नहीं, जो अभी अभी प्लांट ने प्रोड्यूस ही किए थे, उसको अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, उससे हम सोच रहे हैं कि तुरंत ही दूसरी क्रॉप लगा दे, तो वो फेल हो जाते हैं जर्मिनेट होना, पूरा अच्छे से जर्मिनेट नहीं होंगे, सीडलिंग नहीं बनेगा, प्लांट नहीं बनेगा. इवन इफ द कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन आर फेवरेबल, जबकि कंडीशन हम सारी दे रहे हैं उस सीड को, क्यों? क्योंकि उस सीड को डोरमेंसी वाले पीरियड से होके जाना होगा जिसमें वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा. इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, आप अभी नाइन्थ क्लास में जस्ट आए ही हो, एट्थ क्लास से नाइन्थ क्लास में. अब नाइन्थ क्लास में आते ही आपका टेस्ट ले लिया जाए बिना पढ़ाए, क्या आप प्रिपेयर हो? नहीं हो. अब तो आ गए, हम बोल रहे हैं नाइन्थ स्टूडेंट, लेकिन आपका टेस्ट लिया, तब तो आप फेल हो जाओगे सारे लोग. सिमिलरली सीड के साथ भी है, अभी अभी सीड बना था, सीड का फॉर्मेशन हुआ है प्लांट से, और उस प्लांट से सीड को बाहर फ्रूट से निकाल के तुरंत सो कर दिया गया, तो फेल हो जाते हैं जर्मिनेट होना कुछ कुछ केसेस में, और यहाँ से नया सीडलिंग नहीं बनता है. उसको सीड को पास ही होना होता है डॉर्मेंस फेस में, जिसमें अपने आप को वो प्रिपेयर करता है. ठीक, तो डॉर्मेंस पीरियड उसको बोलते हैं, अंडर विच इज अ अंडरगोस फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन. उस सीड जो अभी बना था, अभी तुरंत तुरंत सीड बना था, उसके अंदर कुछ चेंजेस भी आते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन. नेक्स्ट, कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन. कौन कौन सी कंडीशंस जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है? सीड के जर्मिनेशन के लिए, सीड क्या ऐसे ही अपने आप जर्मिनेट करना स्टार्ट कर जाएगा, सीडलिंग बनाएगा? नहीं, उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है, सुटेबल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, एयर की जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो रिक्वायरमेंट है. तो हियर वाटर का रोल क्या है जर्मिनेशन में? द सीड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट. अगर सो करके जनरली क्या होता है, जो अगर क्रॉप लगाते हैं जो भी फार्मर्स हैं, पहले या तो बिल्कुल सॉइल को अच्छे से उसमें वाटरिंग कर देते हैं, या फिर सीड को पहले से ओवरनाइट सोक कर लेते हैं और फिर फील्ड में लगाते हैं. तो डिपेंड करता है वो कौन सी क्रॉप वो सो कर रहे हैं. तो सीड को वाटर एनवायरमेंट से मिलता है, फ्रॉम द सॉइल इन द नेचुरल कंडीशन. नेचुरल कंडीशन, सपोज आप अगर रास्ते से जा रहे हो, आपने मैंगो खाया और मैंगो की सीड्स को रास्ते में ऐसे ही जहाँ पे सॉइल है वहां पे फेंक दिया, आपने इंटेंशनली तो उसको प्लांट नहीं किया था मैंगो के सीड्स को, लेकिन हाँ वहां पे मैंगो का सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट हो गया क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर था, उस सीड ने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया एनवायरनमेंट से और स्टार्ट जर्मिनेटिंग. तो
तो वो नेचुरल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो द सीड्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट दैट इज फ्रॉम द सॉइल इन द नेचुरल कंडीशन. द वाटर इज एब्जॉर्ब ऑल ओवर द सर्फेस बट मेनली थ्रू द माइक्रोपाइल. अभी इसके लिए हम देखते हैं ग्राम के सीड, ग्राम के सीड को या फिर बीन के सीड को. यहाँ पे बीन का सीड हम लोग ने स्टडी किया, तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ बीन सीड. तो बीन सीड में ये माइक्रोपाइल प्रेजेंट है. तो पूरी सरफेस से तो सीड एब्जॉर्ब कर रहा है, चारों तरफ से तो सीड एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को, हर साइड से सीड. लेकिन मेनली कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? माइक्रोपाइल, जो स्मॉल सी ओपनिंग होती है सीड में, और ये ओव्यूल में भी ये पोलन ट्यूब के एंट्री के लिए प्रेजेंट होती है. पोलन ट्यूब इसी से ओपनिंग से ही आपका एंटर करती है ओव्यूल में, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है एग का और मेल गैमेट का. तो मेनली माइक्रोपाइल में है. और द यूजेस ऑफ वाटर, वाटर की जरूरत क्या है? तो अब वाटर की जरूरत क्यों है? द सीड स्वेल्स, सीड स्वेल करेगा. कॉन्सिक्वेंटली द सीड कोड रप्चर अलोइंग द इलोंगेशन रेडिकल टू द कम आउट एंड फॉर्म द रूट सिस्टम. सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, और एक कॉटे, अगर हम यहाँ पे डाइकॉट ले रहे हैं, एक साइड से अटैच्ड है, एक कॉटिलीडन से अपर पार्ट और लोअर पार्ट छोटा सा, ये एम्ब्रियो है, ब्लू से मैंने ड्रॉ किया. अब भाई ये जब सीड क्लोज होगा तो यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब क्या होगा? तो वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से सीड स्वेल करेगा. भाई कोई भी चीज अगर वाटर को एब्जॉर्ब करेगी वो चीज स्वेल करेगी, स्वेल करेगी तो सीड क्या होगा? बर्स्ट कर जाएगा. बर्स्ट कर जाएगा तो सीड के अंदर जो रेडिकल है वो जर्मिनेट, ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा. जब सीड बर्स्ट होगा तभी तो ये रेडिकल ग्रो जर्मिनेट करेगा और ज्यादा ग्रो करेगा, रेडिकल और इलोंगेट करना स्टार्ट हो जाएगा एंड फॉर्म किसको करेगा? रूट को, रूट सिस्टम को, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अंडर द ग्राउंड. वाटर का तो एक ये रोल हो गया, वो सीड ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, सीड ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, साइज में बढ़ा और सीड को बर्स्ट हो गया. जो अंदर एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल पार्ट था वो और इलोंगेट होगा और रूट को फॉर्मेशन करेगा. दूसरा वाटर का काम क्या है? वाटर इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट अपॉन द फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलीडन्स और एंडोस्पर्म सो दैट इट मे कन्वर्ट इट इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म या डिसॉल्व्ड यूटिलाइज्ड बाय द डेप ग्रोइंग एम्ब्रियो. तो डायग्राम बना लेते हैं फिर से एक सीड का. ये सीड का कॉटिलीडन्स, यहाँ से ऊपर प्लोम्यूल और नीचे की रेटिकल. इसको ग्रो करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है. फ्रूट यहाँ पे किसमें है? सपोज कॉटिलीडन के फॉर्म में स्टोर्ड है, तो ये फूड जो स्टोर है अवेलेबल कैसे होगा? तो कंसेंट्रेटेड फॉर्म है ना, तो पानी जब अंदर जाएगा वो डिजोल्व फॉर्म में ये यूटिलाइज होगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा, डिजोल्व हो जाएगा पानी में, और तब जाके यहाँ पे रिएक्शन होंगे और फर्दर जो फूड अवेलेबल होगा ग्रोइंग प्लोम्यूल को एंड रेडिकल को, आफ्टर दैट ग्रोइंग शूट को एंड रूट को. यही लाइन तो लिखी हुई है. देखिए केमिकल रिएक्शंस के लिए जो एंजाइम्स हैं जो कि फूड पे एक्ट करेंगे या फिर जो कि स्टोर है किसमें? कॉटिलीडन्स में, एंडोस्पर्म में, और वो कन्वर्ट हो जाएगा, डिफ्यूजल डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व होके आपका रेडिकल और प्लोम्यूल के पास जाएगा डिसॉल्व क्वांटिटीज में और यूटिलाइज्ड फॉर्म करेगा ग्रोइंग एम्ब्रियो. यही तो ग्रोइंग एम्ब्रियो था, बीच वाला पार्ट, इतना पार्ट ग्रोइंग एम्ब्रियो. नेक्स्ट क्या है? सुटेबल टेम्परेचर. सुटेबल टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होता है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड या फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ एम्ब्रियो. बहुत कम टेम्परेचर होगा तब भी जर्मिनेशन नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा तब भी नहीं होगा. तो ये दोनों ही, बहुत कम लो टेम्परेचर और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, अनसुटेबल होते हैं जर्मिनेशन के लिए. वेरी लो टेम्परेचर में इनहिबिट हो जाती है एम्ब्रियो की एक्टिविटी, ग्रोथ आपकी इनहिबिट हो जाती है एम्ब्रियो में, और हाई टेम्परेचर में डिस्ट्रॉय हो जाती है. अगर आपका बहुत ज्यादा विंटर्स होते हैं, आप भी नहीं काम कर पाते हो, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, एग्जॉस्ट होने लगते हैं, स्वेटिंग होती है, वेट लॉस भी होने लगता है, पानी इतना पिया जाता है, खाना नहीं खाया जाता है. और उसके एम्ब्रियो तो भैया उसके पास तो नई जनरेशन है, बहुत डेलिकेट सा टिश्यू है, तो उसको तो प्रोटेक्ट करके रखना ही है. तो ज्यादा टेम्परेचर कम टेम्परेचर, और अभी तो डॉर्मेंट स्टेज में था, तो चाहे कम टेम्परेचर हो ज्यादा टेम्परेचर तब तो फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जब सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाएगा, सीड से प्लोम्यूल इलोंगेट होगा, रेडिकल इलोंगेट होगा, तब तो वो यंग पार्ट है, डेलिकेट सा पार्ट है, अभी अभी फॉर्म हुआ था, और वहां पे या तो कम टेम्परेचर होगा तब तो काम हो ही नहीं रहा होगा, और ज्यादा हो गया तो वो डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा हाई टेम्परेचर में. सो मॉडरेटली वार्म टेम्परेचर, ठीक ठीक टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर हो, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस इज यूजुअली फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन. जो आपका सुटेबल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑप्टिमम. जो सुटेबल टेम्परेचर होता है जो भी सीड्स है उसके, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. सीड्स ऑफ अ ट्रॉपिकल प्लांट्स ऑफन नीड अ हाई टेम्परेचर
फॉर जर्मिनेशन देन दोज ऑफ द टेम्परेट रीजन। अब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्या है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए ज्योग्राफी। जो अर्थ है, अर्थ के सेंटर से जो पास होती है इसको इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ से कोई इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है इक्वेटर, इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज का फॉल होती है जिसकी वजह से इक्वेटर पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर नॉर्थ सब पोल की टूवर्ड्स पे, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और इक्वेटर के दोनों साइड का जो रीजन है ये ट्रॉपिकल होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो सेम होता है थ्रू आउट द ईयर, ऊपर की साइड देन आर्कटिक सर्किल और नीचे की साइड एंटार्क्टिक सर्किल। तो इन ये जो रीजन है यहाँ वाला, ये आपका टेम्परेट होता है। यहाँ पे सीजनल वेरिएशंस आते हैं, इसको टेम्परेट रीजन्स बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि वो तो इक्वेटर के पास है। तो ट्रॉपिकल रीजन में जो प्लांट्स हैं उनके जो सीड्स हैं वो हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं क्योंकि वो तो हाई टेम्परेचर पे स्टार्टिंग से रह रहे हैं। लेकिन जो टेम्परेट रीजन पे है, अवे फ्रॉम द इक्वेटर है, टूवर्ड्स अ पोल है, उनको कम टेम्परेचर की या ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर सीड जर्मिनेशन। नेक्स्ट, दूसरा जो लास्ट कंडीशन है जर्मिनेशन के लिए वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को आपका क्या होता है, एनर्जी किससे मिलती है, ऑक्सीजन से नहीं, ऑक्सीजन से नहीं मिलती है। जो ऑक्सीजन की नीड होती है वो जो सेल होती है, कोई भी सेल उस अगर वो लिविंग है उसको ऑक्सीजन की नीड होगी तो उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। पूरे में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो फूड से तो एनर्जी मिलती है, लेकिन फूड से कैसे मिलती है, या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है, इसके ब्रेकडाउन से। और ब्रेकडाउन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की, तभी एनर्जी प्रोड्यूस हो पाती है। हम पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग, फूड गिव्स अस एनर्जी, कैसे एनर्जी देगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दैट फूड ना, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है और मेनली कार्बोहाइड्रेट्स का, उससे एनर्जी मिलती है। तो ऑक्सीजन एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होता है, और एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, एम्ब्रियो के अंदर प्रोसेस हो रहा है तो एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होगी होगी, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और फूड तो पहले से अवेलेबल था एंडोस्पर्म एंड कॉटिलीडंस के फॉर्म में। तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन देयर इज अ रैपिड सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ, लगातार सेल डिवाइड कर रही है, सेल ग्रो कर रही है साइज में, फॉर विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दिस एनर्जी इज अवेलेबल ओनली बाय द रेस्पायरेशन, या फिर इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मेनली ग्लूकोज का, हेंस देयर इज अ नीड ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, सीड्स सोन वेरी डीप इन सॉइल फेल टू जर्मिनेट। ये सॉइल है, इस सीड में इस सॉइल को टिल्ट किया जाता है ना, सॉइल को ऊपर किया जाता है, टिल्टिंग बोलते हैं, सॉइल को रोटेट कराना ऊपर वाइज नीचे वाइज सॉइल, ऊपर फिर ऊपर वाइज एयर करना, एयर स्पेस। अगर सॉइल में सीड्स को, एक सीड ये है एक पोजीशन पे, दूसरा सीड है बी, ठीक, एक यहाँ पे और तीसरा सी पे है, ये तीन पोजीशन में अगर सीड को बहुत ज्यादा डीपली सो किया जाएगा तो इससे प्लूम्यूल और रेडिकल जो बनेगा उसको यहाँ पे भी डेप्थ ज्यादा हो जाएगी, प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर तक सांस ही नहीं ले पाए, आ ही नहीं पाएगा नीचे तक जाना, तो ये फेल हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में जर्मिनेट होना। तो हम इसको थोड़ा सा एक ठीक ठीक डेप्थ पे प्लेस करना चाहिए, ज्यादा नीचे नहीं, इतने पे आपको ऊपर सॉइल से कवर हो जाए और सॉइल के अंदर चला जाए, इतना करना चाहिए आपका। क्यों करना चाहिए, इसके रीजंस पूछे जाते हैं कि व्हाई सीड्स सोन वेरी डीप इन द सॉइल्स आर फेल टू जर्मिनेट, इसका रीजन क्या है, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, रेस्पायरेशन एनर्जी नहीं बन पाती, उसका दम घुट के मर जाता है वो सीड एम्ब्रियो, इनसफिशियंट पुशिंग फोर्स इन द एम्ब्रियोनिक पार्ट, भाई छोटा सा डेलिकेट सा पार्ट अभी फॉर्म होना शुरू हुआ था, इतनी फोर्स नहीं है कि वो सॉइल को पार करके ऊपर निकला है शूट वाला पार्ट इतने दूर से, हाइपोकॉटल एंड एपिकॉटल टू ब्रेक द थ्रू द लेयर्स ऑफ द सॉइल, नीचे वाली भी लेयर सॉइल की क्या होती जाती है डेप्थ के साथ, उसकी जो कॉम्पैक्टनेस है वो डेंसिटी है वो बढ़ती चली जाती है, और ऊपर प्लूमिल को निकलना है वो भी निकल पाता है। और हाइपोकॉटल एंड एपिकॉटल क्या पार्ट था, सीड में जो कॉटिलीडंस के साथ या एंडोस्पर्म के साथ जहां से एम्ब्रियो अटैच था, अटैचमेंट के ऊपर वाला पार्ट एपिकॉटल और नीचे वाला पार्ट हाइपोकॉटल। तो हाइपोकॉटल एम्ब्रियो के नीचे वाला, जहां पे आपका जो अटैचमेंट के नीचे वाला पार्ट है जहां पर रेडिकल प्रेजेंट है, और अपर वाला पार्ट एपिकॉटल था। ठीक, पढ़ चुके थे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।